दिल्ली में बाढ़ की स्थिति भयंकर बनी हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 23 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। पिछले 8 सालों में यमुना में प्रदूषण डबल हो गया है। 1978 में जो बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ थी, उस समय हथनी कुंड से 7,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आज अभी 11 जुलाई तक केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 3,59,000 में ऐसी भयंकर बाढ़ की स्थिति हो जाना, सड़कों पे पानी आ जाना, रिंग रोड पे पानी आ जाना, ऐसी स्थिति 1978 में भी नहीं हुई थी। इसकी वजह केवल यह है, यमुना की सफाई ना होना। यमुना के सफाई के नाम पे दिल्ली सरकार हजारों करोड़ रुपए ढका गई, लेकिन सफाई नहीं की गई। हम कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, यदि यमुना की सफाई हो जाए तो इसमें इतना कूड़ा पिछले सालों में जमा हो गया है कि कई पहाड़ यहां बन जाएंगे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या ध्यान है भ्रष्टाचार पे, कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कैसे सफाई के नाम पे पैसा खाया जाए। आधा पानी आने के बाद भी आज दिल्ली डूबी पड़ी है, दिल्ली की जनता तहाई तहाई कर रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि अपने आप ही नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आम आदमी पार्टी हर विषय पे राजनीति करना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख ले, 1978 में कितना पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड से, और अब कितना छोड़ा गया है। लगभग आधे पानी के बावजूद भी बाढ़ आ जाना यह साबित करती है कि दिल्ली सरकार हर मामले में विफल है। अपनी कमियों को दूसरे पे थोपना इसका काम बन गया है, उसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई भी हक नहीं है।